कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष मेरे कान्हा मुरलीधर में मेरे मनमोहन मुरलीधर में कोई बात जरूर रही होगी। गोपियों के नेत्रों में वह निर्मलता आ गई कि बाल रूपी धारी वृंदावन बिहारी को देखते ही इन्होंने पहचान लिया, आनंद से उछल पड़ी और उनकी महिमा उनकी भक्ति की महिमा का अनुभव कर उसी में पूर्ण रूप से डूब गई। कोई चीज तो इनकी मोहनी मूरत में रही होगी जिससे इनके कान पवित्र हो गए कि उनकी वंशी की धुन में इन्होंने वह चीज सुनी जो कि गोकुल की ब्राह्मण पत्नियां शास्त्र संस्कार से संस्कृत होने पर भी नहीं सुन सकी। कोई चीज तो इनके अंदर रही होगी जिनसे इनका हृदय पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लीन हो गया। ओ वृंदावन जब कृष्ण रहे वृंदावन में तो वृंदावन हरा भरा रहा। कृष्ण भगवान की लीला से सारा वृंदावन आनंदमय हो गया। कृष्ण भगवान जब वृंदावन में नहीं आए तो जंगलों में हरियाली रही होगी कि नहीं, कैसा रहा होगा वातावरण इन गलियों में, सुनापन फूलों में सुगंध रही होगी कि नहीं। भोले भाले कृष्ण अपनी मोहनी मूरत से सभी जीव जंतु को अपने वश में करते हैं और सुख से विचरते जीव जंतु हर वक्त कृष्ण जी का गुणगान करते हैं। स्वच्छ जल मीठा रहा होगा, झरझर नदियां बहती रही होंगी। गोपियों के हृदय में कृष्ण जी के कृष्ण जी ने वास कर लिया। गोपियां सदा श्री कृष्ण का चिंतन करती थी। उनकी दिव्य छवि को नेत्रों में मन में बसाकर कृष्ण दर्शन की लालसा सदा रहती थी। ऐसे मनमोहन कृष्ण जी का जन्म जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है जिसकी एक विशेष लीला है जिनकी लीला का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है। जय कृष्णा।